लाहौर म्यूजियम में मौजूद हूँ। यहाँ दुनिया के सबसे कीमती और नायाब आसारे कदीमा मौजूद हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रियन सिविलाइजेशन और यहाँ पे जितनी भी पुरानी तहजीबें हैं उनके नवादात भी मौजूद हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, उसके अलावा गंदारा सिविलाइजेशन के भी यहाँ पे आसारे कदीमा के जितने भी नवादात हैं वो यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा सिख हो गया, फिर हिंदू हो गया, फिर उसके अलावा ब्रिटिश इरा के और उसके अलावा मुगल इरा के भी यहाँ पे बहुत सारे नवादात मौजूद हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं। पहली चीज़ जो म्यूज़ियम में एंटर होती है आपकी टेंशन अपनी तरफ खींचती है वो म्यूज़ियम का अपना आर्किटेक्चर है, और ये आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि देखने वाला कोई भी शख्स है ना वो दंग रह जाता है। सो आई एम जस्ट सीइंग इट राइट नाउ एंड इट्स सुपर ब्यूटीफुल। लेकिन अभी आगे चलते हैं और आगे चलते ही एंट्रेंस पे राइट और लेफ़्ट पे आपको सिख और मुगलिया दौर के दरवाजे नज़र आते हैं, जिन पे बड़ा ही खूबसूरत जो है कार्विंग का काम हुआ है और इतनी खूबसूरत नक्शों निगारी है कि आपको नफासत जो है उसकी वो इंतहाई क्लियरली नज़र आती है। यू कुड सी दिस डोर एज वेल, लिखा भी हुआ है कार्व्ड वुडन डोर इन अकबरी स्टाइल फ्रॉम लाहौर। और ये तो है मुगलिया दौर के दरवाजे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिख दौर के दरवाजे भी नज़र आएंगे, जिसकी इंडिकेशन ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की मूर्तियाँ नज़र आएंगी बनी हुई एंड इट्स सुपर ब्यूटीफुल। सो ये एंट्रेंस पे आपको दरवाजे मिलते हैं। अभी आगे चलते हैं और जो जो सेक्शन आता जाएगा ना मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। मैं इस वक्त मिनिएचर आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे मिनी पिक्चर्स जो हैं बेसिकली मिनी पेंटिंग्स मौजूद हैं एंड यू कुड सी देम राइट हेयर एज वेल। बेसिकली ये जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स मौजूद हैं ये हिंदू और सिख और मुगलिया जो दौर है उसको रिप्रेजेंट करिए। शुरू में आपको जितने पिक्चर्स नज़र आएंगे हिंदू कल्चर से रिलेवेंट हैं, आपको क्लियरली उनके जितने भी भगवान हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे और उसके साथ साथ उनका किस तरह से कल्चर होता था वो भी यहाँ पे नज़र आएगा। उसके साथ ही मुगलिया जो पिक्चर्स हैं वो शुरू हो जाती हैं पेंटिंग्स, और उसको रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से उनका रहन सहन था, क्या वो लोग किया करते थे। इन पेंटिंग्स से क्लियरली आप गेस कर सकते हैं कि उस दौर में एक्चुअली हुआ क्या करता था। अच्छा, उसके दूसरी साइड पर अगर हम जाएँ, इसी हम गैलरी की दूसरी साइड पर जाएँ, तो हमें वहाँ पर जितने भी सिख हैं उनके जितने भी कह लें कि उनकी पिक्चर्स हैं और पेंटिंग्स हैं वो मिलती है जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर मिड में आपको कुछ और मसवरी मिलती है, और ये बेसिकली उस्ताद साद कैन की मसवरी है जो कि है सुर रहमान से रिलेवेंट, जो कि अभी डिस्प्ले की गई है तकरीबन आई गेस कुछ अरसा पहले, विच इज़ लाइक 21 फरवरी 2023 को ही इसको डिस्प्ले किया गया। और यहाँ पे आपको इस तरफ भी और दूसरी जानब भी सारे आपको सुर रहमान के जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। म
मैं इस वक्त कबलस तारीख और वादिय सिंध गैलरी में मौजूद हूँ, मुझे ऑल्सो बिंग कॉल्ड एज प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी। और यहाँ पे आपको 20 लाख साल पुराने जो औजार इस्तेमाल होते थे उनके शहादात भी मिलेंगे, जैसे कि यू कुड सी एज दिस एज वेल, जो कि स्टोन एज से जो इस्तेमाल होने वाले औजार या पत्थर थे उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि किस तरह से उस दौर में औजार बनाए जाते थे और किस तरह से उस दौर के जो इंसान था शिकार करते थे और अपने खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो जो भी मुख्तलिफ औजार थे वो इस्तेमाल करते थे। जिस तरह से यहाँ पे एरो हेड्स हैं वो आपको मिलेंगे, उसके साथ यहाँ पे आपको हैंड एक्स जो है, कुल्हाड़ी जो हाथ से बनी हुई है वो यहाँ पे मिलेगी। इस तरह से इवन आपको ऊपर जो है वो लिखा हुआ मिलेगा कि प्रॉपरली जितने भी प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, ये वादिय सिंध से लिंक्ड अप हैं, जो कि कुछ हमें मिली हैं साहिवाल और चुलिस्तान वाली साइड से, कुछ जो हैं वो सिंध वाली साइड से मिली हैं। यहाँ पर कुछ सी एज वेल कोट डी जी से कुछ चीज़ें जो हैं सिंध कोट डी जी यहाँ से मिली हैं, और यहाँ पर उनको डिस्प्ले भी किया गया विद द पिक्चर्स एज वेल कि किस जगह से बेसिकली इन सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो पत्थर बेसिकली और जो बर्तन इस्तेमाल होते थे कहाँ से मिले, उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसके कुछ स्टोन्स मिलते हैं, फिर उस दौर में जो इस्तेमाल होते थे बर्तन, जैसे कि कांसी के बर्तन हैं ब्रॉन्ज के, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले में मौजूद हैं। एंड देन यू हैव दिस मोहनजोदड़ो जो है वो के जो कि इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट है, वो भी यहाँ पर जो उसके नवारदात हैं कुछ मौजूद हैं। स्पीयर हेड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बेसिकली नेज़ेबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एंड देन देयर फ्यू ऑफ द स्टफ़ which they have found from Cholistan, जो कि इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और इंडस सिविलाइजेशन जो है वो 5000 साल पुरानी तहजीब है। एंड देन यू हैव सम वेट्स एंड मेजर्स, तो ये आपको सारे कुछ चीज़ें मिली हैं जिनको बेसिकली अब तो वेट जो है वेट करने के लिए वेइंग मशीन्स अलग से आ गई हैं, बहुत डिजिटल हो गए, लेकिन उस दौर में इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी जो कि वेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। सो ये जो बेसिकली गैलरी है यहाँ पर आपको इंडस सिविलाइजेशन और प्री हिस्ट्रिक सिविलाइजेशन जो है उसके रेलेवेंट जितने भी नवारदात हैं वो यहाँ मिलेंगे। सिख गैलरी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको सिख ग्रैंडियर भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि महाराजा जो हैं उनकी यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, और उसके साथ साथ सिख दौर से कुछ रेलेवेंट जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में मौजूद है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी तलवारें जो हैं सिख दौर की नज़र आ रही होंगी। बेसिकली ये जो तलवारें हैं ये जो महाराजा रंजीत सिंह हैं उनसे लिंक्ड अप हैं, और उन्हीं की दरबार की तलवारें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सिख दौर में इस्तेमाल होने वाली महाराजाओं की कुर्सी जो है वो मौजूद है। उसके साथ जो लिबास उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था, ख़ासतौर पर जो महाराजा लिबास इस्तेमाल करते थे, वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और उसके साथ साथ आगे आपको कुछ पेंटिंग्स नज़र आएंगी, और वो पेंटिंग्स जो हैं वो महाराजाओं की हैं, सिख महाराजाओं की, जो कि ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं जो यहाँ इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं, विच यू गाइज कुड सी एज़ वेल। और उसके साथ साथ चलते चलें तो आपको माई मूरा की, रानी मूरा की जो असल कुर्सी है जो कि उनके इस्तेमाल में होती थी, आपको वो नज़र आएगी। और यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। बेसिकली राजा रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह, माईमूरा जो है वो उनकी बेगम थी, और इनको मूरा सरकार भी कहा जाता था। उनकी शादी महाराजा रंजीत सिंह से हुई थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो मुसलमान ही रही थी। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर आपको कुछ उनके जो इस्तेमाल का फर्नीचर है, चेयर और टेबल, वो भी नज़र आएगा। और उसके साथ थोड़ा सा आगे जाएँ तो यहाँ पर आपको उनकी जो मज़हबी किताब है गुरु ग्रंथ, वो भी नज़र आएगी, जिसको वो अपने कह लें कि एक रूहानी उनकी किताब है और अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे सिर्फ आपको जो डिस्प्ले में बेसिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीज आर एक्चुअली रॉयल ऑर्डर्स, ये शाही फरमान हैं जो कि उस दौर में जारी किए जाते थे, तो उनको भी डिस्प्ले किया गया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जितने भी सिख गुरुज उनकी टाइमलाइन मिलेगी। तो आप अगर हिस्ट्री के हवाले से जानना चाहते हैं, सिख हिस्ट्री के हवाले से, तो आपके लिए एक बेहतरीन जगह है ये, जहाँ पर आप पूरी की पूरी जो डिटेल है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एंड यू कुड हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट सिख हिस्ट्री एज वेल।
मैं इस वक्त इस्लामिक गैलरी में मौजूद हूँ और इस्लामिक गैलरी में वो सारी चीज़ें डिस्प्लेड हैं जब मुसलमानों का दौर हुकूमत था, तो उस दौर में जो भी अशिया उनके इस्तेमाल में थी वो सारी यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। और मुगल दौर था चूंकि, तो उनके रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं दैट हैज़ बीन डिस्प्लेड ओवर हेयर। एंड आई गेस आई हैव क्रॉस्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम गोना गो बैक एंड शो यू गाइज, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत खूबसूरत यहाँ पे ज्वेलरी है। यू कुड सी हियर कि उस दौर में खवातीन जो जेवरात इस्तेमाल करती थी वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है, इसको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आज के दौर में तो कहा जाता है ना, जिस सीन के इस तरह के जो ज्वेलरी है ना वो अभी भी नहीं मिलती। एंड दिस इज़ सुपर 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 ब्यूटीफुल ज्वेलरी, देख के तो वैसे ही मुझे जो है वो एक आई जस्ट गो इन टू सम अदर टाइम पीरियड कि नहीं भाई आई नीड इट, बट दिस इज़ सुपर ब्यूटीफुल। यू कुड सी यहाँ पे झूमर जो है कुछ उस तरह का पड़ा हुआ है, कांटे हैं वो पड़े हुए हैं। आई गेस बीच में कुछ चीज़ें तो मुझे समझ भी नहीं आ रही डिस्प्ले में कि क्या इस्तेमाल में होती होंगी। वो नेकलेसेस हैं जो ऊपर पड़े हुए हैं, इस तरह की कुछ ज्वेलरी मिलती है लेकिन नॉट एग्जैक्टली द सेम, एंड ऑब्वियसली उस दौर में इस्तेमाल होने वाली ज्वेलरी है, इट्स वेरी मच डिफरेंट। सो ये ज्वेलरी है जो कि उस दौर की खवातीन इस्तेमाल करती थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लेट्स हैं जो कि अपने डिस्प्ले के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो है वो क्या कहते हैं चाकू मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं उनके खाने पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो भी यहाँ पर डिस्प्ले में हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट में चले तो यहाँ पे उनकी तलवारें जो हैं वो डिस्प्ले में हैं, खंजर हैं वो डिस्प्ले में हैं। आई गेस इन द मिडल इज़ समथिंग जो कि उस दौर में लड़ाई के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते थे ना वॉरियर्स, वो है मौजूद मिड में एंड ऑन द साइड एज वेल। एंड वी गॉट समथिंग रियली कूल हेयर। अच्छा ये दिस इज़ एक्चुअली वॉरियर आउटफिट जो कि उस दौर में इस्तेमाल होता था, एंड यू कुड सी के हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ प्रोटेक्टिव इट इज़, कि इससे तो कोई भी आई डोंट थिंक सो के कोई ज़ख्मी होता होगा या कुछ, बिकॉज दिस इज़ सुपर कूल आउटफिट। सो ये भी यहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ यहाँ पे जो तलवारें इस्तेमाल होती थी अगैन वो डिस्प्ले में है। और उसके बाद खंजर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। फिर उस दौर में जो तीरंदाजी के लिए नेज़े इस्तेमाल होते थे, एरोज़ और सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। कुल्हाड़ी जो है उस दौर की वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में मौजूद हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कुछ बेसिकली ईंटें जो हैं जो इस्तेमाल होती थी वो यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे नीचे नज़र आ रही होगी दिस इज़ कॉल्ड द फ्लोरल ब्रिक। फ्लोरल ब्रिक इसलिए क्योंकि इस ईंट पे जो ऊपर उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है बेसिकली वो फूल की शक्ल में। और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आएंगी पत्थर की जाली का जो काम हुआ है, वैसे बेसिकली सारा पत्थर है लेकिन उसकी उन्होंने जाली उसको बनाया हुआ है, सो जालीदार काम यहाँ पे हुआ है और उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा ना बेसिकली ये जो है संगे मरमर है, और संगे मरमर जो पत्थर है उसको तराश के मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई। यहाँ पे आपको तीन हाथ ही नज़र आएंगे जो कि आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं, विच आर बीइंग यूज्ड इन द डिस्प्ले ओवर दैट टाइम एज वेल। और हाथी आपको पता उस टाइम पे सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, अब तो वी हैव अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ इलेक्ट्रिकल और बाकी सारे। एंड यहाँ पर भी आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी जो कि उनके उस टाइम पे डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ पे उसके साथ साथ आपको कुछ पत्थर मिलेंगे विच इज़ वेरी लाइक आई गेस प्रेशियस स्टोन्स विच यू गाइस कुड सी ओवर हेयर एज वेल। और उसके साथ अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे कुछ इस तरह की प्लेट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, विच एक्चुअली शोज़ कि इस तरह के डिज़ाइन मुगलिया दौर में और इस्लामिक दौर में इस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो चला करते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर भी कुछ पत्थर मौजूद हैं जिन पर एक्चुअली इन्होंने रोगन का काम किया हुआ, पेंट किया हुआ। इफ़ यू सी दिस इज़ लाइक द ब्लू वर्क विच यू गाइस कुड सी दीज डेज, ब्लू पॉटरी की शक्ल में आपको नज़र आता होगा। और ये जो काम है आज के दौर में भी चलता है, आप ये देखें कि हमारा कितना पुराना कल्चर है कि तब से लेके अब तक ये काम हाल है, ये मुगलिया दौर का है लेकिन स्टिल इट्स इन फैशन इन दिस एरा एज वेल। और उसके बाद नेक्स्ट आपको उस दौर में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो मिलेंगे यहाँ पर डिस्प्ले में। आप देख सकते हैं कि कुछ कप मौजूद हैं और उसके ऊपर कोई बर्ड बना हुआ है उसके हैंडल पे, और इसके साथ कुछ टी पॉट्स मौजूद हैं। इतना खूबसूरत ये टी पॉट है, इट्स नॉट ओनली वन देयर आर लॉट ऑफ देयर एज वेल, और बहुत खूबसूरत है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का जो काम है आपको बर्तनों पे आज के दौर में मिलेगा। सो यहाँ पे भी आपको कुछ बर्तन डिस्प्ले में नज़र आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे भी काफ़ी सारे खूबसूरत बर्तन जो हैं वो डिस्प्ले में मौजूद हैं।